हेलो बच्चों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। ये टॉपिक अपनों ने नाइन्थ में काफ़ी अच्छे से और डिटेल में करा है, फिर भी इस टॉपिक को एक बार और मैं आपको वापस से रिपीट करवा रहा हूँ। टॉपिक है आपका डिवाइड करना। अब डिवाइड किसको करना, तो पॉलीनोमियल को। इस तरीके के डिवाइड करना अपनों ने नाइन्थ में काफ़ी अच्छे से करे हैं, फिर भी आज अपन कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि प्रैक्टिस में आ जाए, क्योंकि इसके बाद आगे वाली जो एक्सरसाइज है, जैसे अपन 2.1 और 2.2 खत्म कर ली है मैथ्स के अंदर, अब 2.3 शुरू करने से पहले अपन पहले कुछ टॉपिक देखेंगे। अभी मैं आपको 2.3 नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2.3 से जुड़ा हुआ बेसिक पढ़ा रहा हूँ, और वो बेसिक है आपका डिवाइड करना। अगर आपको डिवाइड करना अच्छे से आ गया तो एक्सरसाइज 2.3 बहुत अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगी। तो चलिए डिवाइड का पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, 2x² + 3x + 1 डिवाइड हो रहा है ये एक्स प्लस टू से। तो डिवाइड करने के लिए सबसे लिखा अपन एक्स प्लस टू और डिवाइड 2x² + 3x + 1। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए इधर साइड में मैं इसका होमवर्क वाला ये रफ पार्ट जो है रफ वर्क वो भी करते जाता हूँ। तो देखिए एक्स प्लस टू को, यानी एक्स प्लस टू से इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके स्टार्टिंग की टर्म देखिए क्या आ रही है, 2x² क्या आ रहा है आपका, 2x² ऐसे। इसके भी स्टार्टिंग टर्म देखिए क्या आ रहा है आपका, x आ रहा है, इसका फर्स्ट टर्म, इसका भी फर्स्ट टर्म, यहाँ पर 2x² और यहाँ पर भी x, तो डिवाइड में लिख दीजिए x। लिखा आपने 2x² जगह से ही और डिवाइड में x। अगर आप x कैंसिल कर दोगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा x। इतना समझ में आया सबको, पहले क्या करा, इसकी फर्स्ट टर्म लिखी अपनों ने 2x² वो लिख दिया मैंने 2x², फिर x, तो फिर x लिखा, x से x को कैंसिल आउट कर दिया तो बचा 2 और x, तो वो 2x बचा। तो जो भी टर्म डिवाइड करने पर आई है, कितना आई है 2x, उसको यहाँ पर लिख दोगे। है बस समझे, या वो सर बच्चे जो डायरेक्ट करते हैं, जो भी सिंपल है कि सीधी सी बात, कैसे यहाँ पर देखिए 2x² आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, x ही आ रहा है। तो अपने को ऐसा नंबर चाहिए जो इस 2x² को डिवाइड कर दे, जबकि अपने पास क्या है, पहले से x तो है। अब अगर आप 2x² को डिवाइड करना चाहते हैं और अपने पास एक एक्स ही है, तो एक तो 2 चाहिएगा, इसलिए वो 2 लिख देते हैं, और x² में से एक एक्स तो अपने पास है, एक और एक्स चाहिए अपन, इसलिए वो x भी लिख देते हैं। जैसे आपको समझ में आए, ये तरीका अगर समझ में आया तो ये तरीका या ये तरीका जो मैंने बताया है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो फर्स्ट यहाँ पर लिखना क्या है वही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर फर्स्ट जो लिखना है वही इम्पोर्टेंट है। कैसे निकाला, तो यहाँ 2x² लिखा पहले, जो फर्स्ट आ रहा था वो, फिर उसके बाद जो यहाँ नंबर था x, उससे डिवाइड करा। यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर भी फर्स्ट को देखना, आपको हर बार वही करना है। अब जो आया 2x, तो इस 2x से इस फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना, हर जगह फर्स्ट से अपना काम। तो 2x का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो 2 का यहाँ कोई नहीं 1 है, तो 2 का 1 से होगा, तो 2x का x से होगा, तो 2x², फिर वापस इसका यहाँ से होगा। अब ये आगे 2 के आगे कोई साइन नहीं, यानी प्लस का साइन है, तो प्लस का डिवाइड, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से, प्लस का प्लस से होगा, तो प्लस 2 × 4 2 × 4 और x, तो ये x आ जाएगा आपका। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में फिर अब साइन चेंज करने की बारी। साइन चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 2x² प्लस का है, तो प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ पर प्लस का 4x है, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस, जो भी साइन है उसका उल्टा करना है। अगर प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, जब यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस, यहाँ प्लस था इसलिए माइनस, अगर कोई साइन नहीं यानी प्लस का साइन है। अब देखिए 2x² का प्लस का और यहाँ पर माइनस का 2x², तो प्लस का 2x² से माइनस का 2x² पूरा कैंसिल। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ प्लस का 3x है और यहाँ पर माइनस का 4x हो गया। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ऊपर प्लस है। मैं एक बार और समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने अगर ये साइन लगा दिया नीचे वाला माइनस का, तो ऊपर वाला साइन वैसे ही रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो अब आपको इससे ऊपर वाला साइन देखने की जरूरत नहीं है। तो ये माइनस का 4x है और ये प्लस का 3x। अब देखिए माइनस के 4x में से कितना जा रहा है, 3x, तो 4x में से 3x चला जाएगा, तो x तो बचेगा, लेकिन साइन देखो 4 बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए साइन माइनस का x, यानी 3x में से 4x जाएगा तो आएगा तो x, और नंबर बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस का। अब चलिए ऊपर से वापस कौन सा नंबर उतरेगा, प्लस का 1, प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1। अब नेक्स्ट है वापस, अब माइनस का x चाहिए अपने, क्या चाहिए, माइनस का x, और यहाँ पर कितना है x है पहले से, अब माइनस का x चाहिए, तो वापस पहले वो लिख दो माइनस का x
और डिवाइड किससे, उसी फर्स्ट वाले से, जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा फर्स्ट करता था अपने यहाँ पर अभी, वैसे वापस माइनस का एक्स या माइनस का एक्स और डिवाइड में एक्स, तो डिवाइड में एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन जा एक्स, और माइनस का है तो माइनस का वन, यानी कितना आ गया माइनस का वन। तो डिवाइड करने पे माइनस का वन आया, इसलिए यहाँ पर लिख दो माइनस का वन। अब मल्टीप्लाई वापस, माइनस वन का मल्टीप्लाई एक्स से होगा, तो माइनस का प्लस वाले से, माइनस वन का मल्टीप्लाई एक्स से, तो एक्स, माइनस का प्लस से, माइनस वन का टू से, वन टू जा टू हो जाएगा। नेक्स्ट है वापस, अब साइन चेंज करने की बारी, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस और प्लस तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का टू और प्लस का वन, यानी टू प्लस वन कितना हो जाएगा आपका थ्री। समझ में आ रहा है सबको, बहुत बेसिक है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो आया आपका, ये तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और ये जो बचा यहाँ पर ये आपका रिमाइंडर, यानी आंसर लिख देते हैं अपन, जो क्वेश्चन आया 2x माइनस वन और जो रिमाइंडर आया वो आया 3। समझ में आया सबको। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूँ, वो भी देखिएगा, जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन समझाया आपको, ऐसे मैं एक और क्वेश्चन आपको सेकंड वाला लेके समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये डिवाइड हो रहा है एक्स प्लस वन से, डिवाइड हो रहा है एक्स प्लस वन से। तो चलिए वापस वही, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइड हो रहा है एक्स प्लस वन से, वापस इधर साइड में रफ वर्क, पहले वही स्टेप फर्स्ट वाला और इधर भी फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला है एक्स स्क्वायर, इधर है फर्स्ट वाला एक्स, इस बार ध्यान से समझना ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट वाला नंबर लिखा एक्स स्क्वायर, इधर ही फर्स्ट वाला नंबर लिखा अपने एक्स लिखा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक एक्स बचा, जो भी बचा हो उसको लिख दो, ये लिखा मैंने एक्स, क्लियर हुआ पहले। अब इसके बाद जो भी डिवाइड करने पाया, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होगा एक्स की पावर टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम समझे, एक्स का मल्टीप्लाई इस वन से होगा और आगे प्लस से, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का, प्लस से प्लस का साइन ही होगा, एक्स का मल्टीप्लाई वन से होगा तो ये एक्स हो गया आपका। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप अब देखिए, आगे साइन यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ पर साइन प्लस का आ रहा इसका उल्टा माइनस, समझ में आ रहा, कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर प्लस के 3x में से 1x माइनस हो जाएगा, 3 में से 1x चला जाएगा तो 2x और प्लस का क्या उतरेगा 1। समझाया, जैसे अगली स्टेप मिली आपको फिर वापस वही स्टेप दोहरानी है, यानी वही स्टेप वापस रिपीट करनी है, अब फिर वापस फर्स्ट वाला और वापस फर्स्ट वाला, यहाँ फर्स्ट वाला क्या है 2x, यहाँ फर्स्ट वाला क्या है x है, x से x कैंसिल क्या बचा 2 बचा, तो वापस और 2 आएगा प्लस का या माइनस का, कुछ भी साइन यानी प्लस का साइन, अगर आगे कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस का ही है, तो प्लस का टू। फिर वापस जैसे इसका मल्टीप्लाई कर रहा दोनों से, अब ऐसे इसका मल्टीप्लाई भी दोनों से, तो टू का मल्टीप्लाई एक्स से होगा, तो टू का मल्टीप्लाई एक्स से देखो क्या होगा, हाँ आवाज आ रही मुझे, टू एक्स, टू का मल्टीप्लाई वन से, टू वन जा टू, ये हो गया आपका। फिर वापस साइन चेंज, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वन और माइनस का टू, यानी माइनस का टू है और प्लस का वन है, देखो देखिए माइनस टू में से वन चला जाएगा, क्या बचेगा वन, पर बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का, तो ये आपका माइनस का, तो ये आपका मिला क्वेश्चन, तो आंसर क्वेश्चन हो जाएगा एक्स प्लस टू, रिमाइंडर हो जाएगा माइनस का वन। समझ में आ गया सबको। तो इस तरीके से बाकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझें। अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता हो तो वीडियो को वापस से स्टार्टिंग से लेकर चलाएं और समझें, बहुत सिंपल है, बार बार कोशिश करें। एक बार में मैं मानता हूँ क्वेश्चन कभी कभी समझ में नहीं पड़ते हो, तो उस वीडियो को वापस रिमाइंड करके देखें, वीडियो को
वापस रिमाइंड करके देखें तो क्वेश्चन बहुत आराम से और बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। और फिर भी अगर नहीं आता तो बहुत सारे बच्चे कॉल करके पूछते भी हैं, ये अच्छी बात है कि पूछते अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे शर्म के कारण या लगता है कि पूछेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं आए तो वापस से पूछें और आपके डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर आपके डाउट आते हैं तो मैं इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन शेयर करूँगा, तो वो ज़रूर सॉल्व करें। थैंक यू।